रायबरेली जिला अस्पताल इन दिनों सुर्खियों में जरूर बना हुआ है। जहां पिछले दिनों पानी की समस्या से जूझ रहे जिला अस्पताल की कॉलोनियों में पानी की समस्या व अस्पताल परिसर में लोगों में आक्रोश देखने को मिला, वहीं मरीज से लेकर तीमारदारों ने भी इस समस्या का शिकार होते हुए दिखाई दिए। अभी ये मामला सुलझा भी नहीं था कि इमरजेंसी में तैनात फार्मासिस्ट बी सिंह की लापरवाही चर्चा का विषय बन गई, जब एक व्यक्ति गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूत्रों की माने तो बताया जा रहा है कि वह व्यक्ति कहीं पर रुक कर पानी पीने के बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों को सूचना देने के बाद परिजन जब इमरजेंसी पहुंचते हैं तो वहां पर तैनात फार्मासिस्ट बी सिंह पहले तो अपने पुराने बदतमीजी लहजे से बात करते हुए परिजनों से तू तू मैं मैं करने लगे। ये कोई पहला मामला नहीं है जब फार्मासिस्ट बी सिंह के द्वारा मरीजों के तीमारदारों से बदतमीजी की गई हो, जिसके लिए उनको इमरजेंसी से हटाकर दूसरी जगह पोस्ट किया गया था। लेकिन जुगाड़ की करामात से साहब फिर से इमरजेंसी के फार्मासिस्ट पद पर तैनात हो गए। दादा क्या नाम है, कहाँ से आए जी? हम राम बहादुर मौर्य, ग्राम उमरा, पोस्ट राही, जिला रायबरेली। क्या समस्या है? समस्या ये है कि यहाँ इमरजेंसी में अगर पेशेंट आता है तो उसको बाहर का मेडिसिन लिखा जाता है, इंजेक्शन वगैरह। जो आज मेरे साथ घटना घटी, जो इंजेक्शन अंदर मौजूद हुआ है प्रेजेंट टाइम में, सिर्फ डॉक्टरों या जो भी वहाँ के असिस्टेंट, उनकी लापरवाही की वजह 700 का इंजेक्शन बाहर से लिखा गया। दूसरी व्यवस्था अव्यवस्था क्या है कि यहाँ इमरजेंसी में भर्ती हुए जो पेशेंट हैं हमारे, उनको अगर लेटरिन बाथरूम लग जाए तो उनको कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे कि उनके आजू बाजू में लेटरिन बाथरूम कर सके। आप इस चीज बाथरूम तो बना हुआ है, बना हुआ साहब, आप उसकी व्यवस्था आप प्रेजेंट टाइम में उसको आप फोटो निकाल लीजिए। पानी की व्यवस्था नहीं, पानी व्यवस्था नहीं, इतनी गंदगी है कि क्या बोले, उसमें पानी तो छोड़ दीजिए, वहाँ की कोई क्लियरिटी है ही नहीं। अभी भी जस्ट हमारी एक बहन पेशेंट, वो जो बाहर आकर के मैदान में बिचारी वन नंबर करके गई हुई है, पेशाब करके गई हुई है, तो ये क्या कोई व्यवस्था है? इसके बारे में हम अपने जिला प्रशासन से, जो भी यहाँ के अधिकारी हैं, उनसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी यहाँ पे बैठे हुए आपके सर्वेंट लोग हैं वहाँ से, क्या उनको आप वेतन नहीं देते, या कोई और कमजोरियों के कारण हमारे इमरजेंसी पेशेंट अगर रात में कहीं किसी को लग जाए तो? क्या चाहते हैं जी? मैं ये चाहता हूँ कि उसकी व्यवस्था सुधारी जाए, तत्काल सुधारा जाए, क्योंकि इमरजेंसी पेशेंट किसको बोलते हैं? साधारण सर्दी जुकाम की बात नहीं है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।